اللي جبنا كده. اوكي سير نايت نوسكا انا بقول انا 5 منت ابيع كده لا ارام كده نمسكار प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्षर आज अत्यंत एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को लेकिन सांबादिक सम्मेलन केवल गुरुत्वपूर्ण नुह एक अत्यंत भयंकर स्थिति को लेकिन ये सांबादिक सम्मेलन ए सरकार किभली केवल विज्ञापन जरिया रे बाबा नबा को प्रयास करुचंती साधारण लोकंकर जीवन साधारण लोकंकर स्वास्थ्य ये सब को किभली भावे सरकार बुझामणा करचंती बा कंप्रोमाइज कर सलेनी ये होची आज सांबादिक सम्मेलन ये प्रसंग को नहीं की बंधुगण सोनपुर शहर रे एबे हाहाकार स्थिति उपजिछि अत्यंत गंभीर और जटिल स्थिति सोनपुर शहर रे उपजिछि पाखापाखि 1000 लोक दूषित पाइप जल व्यवहार करके असुस्थ होकर डाक्तरखाना चिकित्सित होती कि लोकंकर परिस्थिति अत्यंत संकटापन्न ए खबर को जबरी भावे गणमाध्यम को आसवा कथा आसी ना किंतु मु आपन को किसी फोटोग्राफ्स देख पारे मोबाइल जहाँ कि फोटोग्राफ्स अच्छी ये सब आपन को शेयर करी ए फोटोग्राफ हूँ जिला सोनपुर जिला मुख्यालय डाक्तरखाना दृश्य बारंडार नुह डाक्तरखानार जीवा आसवा रास्तार मध्य रोगी पड़की रही डाक्तरखाना सारा सालाइन कूड़ा कूड़ा व्यवहृत सालाइन आ सालाइन लगी ये आज घटना नुह यह एभली स्थिति उपजीव बोली बहु आगर का भा कि गणमाध्यम कथा आसला से अंचल स्थानीय बासिंदा मैंने सरकार को जनस्वास्थ्य विभाग को चिठी लिखिकी जनईले महानदी से अंचल जो रामेश्वर घाटी घाट अच्छी से घाटर बना पर जबरी भाव घाट पोत पड़ा और निष्कासन हो पारा ना सहर जल कि ये समस्त अलिया आवर्जना से जगार कुंड हवा पा से जगार ठुआ हो से जगार जो पाइप पापाई जो पाइप पा उठा जा यार परिस्थिति अत्यंत दूषित प्रदूषित हो लक्षण देखा पर सरकार को चेता जाता किंतु सरकार चुपचाप बसले एबे परिस्थिति एकदम नेड़ीगुड़ कहुणी की बहीगला सरकार ए जगार केवल विराट विराट पाइप जल जोगान शुभोद्घाटन भित्तिप्रस्तर स्थापन को लेकिन पृष्ठा पृष्ठार विज्ञापन दौरान सेपटे सोनपुर दूषित जल व्यवहार करी एवं शह शह लोक एवं डाक्तरखाना चिकित्सित होती दुर्भाग्य कथा है ये कथा को जनस्वास्थ्य विभाग सोनपुर जी निर्वाही जंत्री एक्जिक्यूटिव इंजीनियर स्वीकार कर सारे एवं डाकबाकी डाकबाजी जंत्र जगे सारा शहर आ जिलार मध्य किसी जगार जो जगह को पाइप जल जोगाण हो डाकबाजी जंत्र जरिया प्रचार करा जाए लोकों को पाइप जल व्यवहार न करने चेतावनी दिया जाए अनुरोध करा जाए बंधुगण मु आपण को जरिया गणमाध्यम जरिया प्रदेश कांग्रेस कमिटी आमर आशंका आमर चिंता को व्यक्त करूँ कि सोनपुर जो महानदी जो पाइप जल जोगाण प्रकल्प ये केवल सोनपुर नुह एथ बलांगीर और संबलपुर को आपण मान गोचरार्थ जनईदु जे सरकार किभली भाव शह शह कोटी टंकार विज्ञापन सरुंच किंतु जो जगार पाइप जल विशोधन करा जाउची गाइडलाइन अनुसार से जगार साइंस ग्रेजुएट बा बीएससी सर्वनिम्न
बीएससी थिबा आउ ट्रेन प्रशिक्षित व्यक्ति को नियोजित बा नियुक्ति दिया जिबा कथा किंतु संपूर्ण प्रकल्प रे पाइप जल जो प्रदूषण जो विशोधन जो टंकी अछि जो जगह विशोधन होछि सेठी मैट्रिकुलेट आ अंडर मैट्रिकुलेट लोकों को नियुक्ति दिया जाय छि साइंस ग्रेजुएट दुरर कथा यहा लोकों को मारिबा पई सरकार कर एक षडयंत्र मैथि पई कहउछि एक खामखियाली आउ सरकार के स्वास्थ्य प्रति सरकार कर केते अवहेला मनोभाव आउ खामखियाली मनोभाव यहा प्रमाण करुछि। द्वितीय रे विशोधन पई जो केमिकल्स दरकार से केमिकल को नदे केवल अलॉय चूना आउ ब्लीचिंग पाउडर जरिया करा जाउछि सॉलिड जहा उपादन ता जरिया करा जाउछि लिक्विड आ क्लोरीन गैस आ अन्यान्य जो केमिकल्स अछि ए केमिकल बाटमारण होउछि अर्थात बा एकु ठीक क्वांटिटी रे सप्लाई करा जाउ नाही। ये हमर गुरुतर अभिजोग जे सरकार बुझामणा करचंती सरकार के चिंता नहीं साधारण लोकों के जीवन ऊपर संपूर्ण होचंती जे विधायक से होचंती नवीन बाबू को कैबिनेट रे जने अति गुरुत्वपूर्ण मंत्री ताछड़ा गृह और नगर उन्नयन विभाग मंत्री जहां अधीन रही जनस्वास्थ्य विभाग। प्रदेश कांग्रेस दाबी हला कि हजार लोकों जीवन को एवं राज्य सरकार जनस्वास्थ्य विभाग अवहेला जो एवं असुविधा को ठेली दिया जाए समस्त एवं जुझुचंती स्वास्थ्य सहित आउ किछ गुरुत्व रही मृत्यु सहित संग्राम करुचंती तेणु आम दाबी हला जे विभागीय मंत्री विरोध कार्यानुष्ठान आ नैतिकतार उत्तरदायित्व तो नहीं विभागीय मंत्री निरंजन पुजारी महोदय इस्तफा दिंतु पदवी। द्वितीय तुरंत से पाइप जल जोगान संपूर्ण जीए निर्वाही जंत्री अधिकारी अच्छा एम विरोध में सरकार तुरंत आखिदृशिया पदक्षेप नियंतु कार्यानुष्ठान नि निलंबित करतु एम विरोध में फौजदारी मकदमा रुजु करने को प्रदेश कांग्रेस कमिटी पक्ष दाबी कर अवहेला जो एवं हजार लोक पखापाखि अधिक लोकंर जीवन एवं विपन्न यहाँ एक अक्षमणीय अपराध। किसी दिन तले मुख्यमंत्री जनस्वास्थ्य विभाग और नगर गृह उन्नयन विभाग एक विज्ञापन सप्ताह तले राज्यर समस्त प्रमुख खबर कागज छोट बड़ और इंग्राजी खबर कागज हिंदी खबर कागज रे प्रथम पृष्ठार देकी लक्षाधिक टंका सरकार बर्बाद करचंती अर्थात ये हूँ सरकार एक अत्यंत मंद षडयंत्र जे जनस्वास्थ्य विभाग समस्त अव्यवस्था को चापी दबापाई और परोक्ष प्रभावित करने गणमाध्यम को ये विज्ञापन हूँ सरकार एक प्रकार षडयंत्र तेणु सरकार अंतत पक्षे विरोध रुहतु आउ तुरंत विभागीय मंत्री विरोध में कार्यानुष्ठान नवा सहित सरकार जी अधिकारी अच्छा से विरोध में कार्यानुष्ठान नियंतु कारण जो भाव में मॉनिटरिंग करने कथा विशोधन प्रक्रिया को बहुत दिन है मॉनिटरिंग ठीक ठाक करा जाए ना केमिकल दि जाऊना क्वालिफाइड लोक ना डीएलआर एनएमआर हाथ में एडार जनस्वास्थ्य विभाग अधीन जो पाइप जल जोगाण हो लक्षाधिक लोकों भाग्य ये सोनपुर हूँ केवल मात्र उदाहरण यही स्थिति आगामी दिन में ओडिशा रे सब अंचल व्यापी बा सब अंचल उपजार आशंका देखा जाइए तेणु तो प्रदेश कांग्रेस पक्ष आउ थे आम कौ जो विभागीय मंत्री उत्तर दायित्व तुरंत नियंतु पदवी इस्तफा दिंतु आउ जो मैंने अधिकारी अच्छा उच्च पदस्थ अधिकारी सामान विरोध में आखि दृश्य कार्यानुष्ठान नियंतु धन्यवाद। आमर जी मीडिया डिपार्टमेंट अध्यक्ष
ସତ୍ୟବାବୁ କହିଲେ ସୋନପୁର କଥା, ମୁଁ କହୁଛି କଟକ ସହର କଥା। କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ସେଠି ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପୁଛି ଏବଂ ସବୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଫୁଟିଯାଇଛି। ତାକୁ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା କିଏ ଖାଉଛି, କେମିତି କିଏ କରୁଛି, ତାର ହିସାବ କିତାବ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦାବି କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ସରକାର କେବଳ ପଛୁଆର ସର୍ବସ୍ୱ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଲୁଟ୍ କରିବା କଥା ଏମାନେ ଲୁଟ୍ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ଦେବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ ହେଉଛି ତାକୁ ଖାଇକି ଲୋକମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୋନପୁରରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ବେଡ୍ ନାହିଁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜନବିରୋଧୀ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରୁଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଆକୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। କେବଳ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, 2012-13 ସୋନପୁରରେ ଏକ ନୂତନ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାର 5,27,00,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଅବଧି ଥିଲା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ, ଯେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଏ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯିବ। 2012-13 ସରିବାକୁ ଯାଉଛି, 6 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା କେତେ ଯେ ଲୋକମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ ଏଇ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି 5,27,00,000 ଟଙ୍କା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।